केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्र के विकास पर बल देते हुए कहा कि साइबर अपराध से सुरक्षित भारत का निर्माण है सर्वोपरि। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से युवा शक्ति को दिया जाएगा मौका। दुर्ग के नकपुरा में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का किया गया उल्लेख। और देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं, छत्तीसगढ़ में कल मिले 46 नए मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र के विकास पर बल देते हुए कहा है कि साइबर अपराध से सुरक्षित भारत का निर्माण सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में साइबर सुरक्षा के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता। साइबर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ा है। उन्होंने आगाह किया कि अगर साइबर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो ये देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। कि साइबर सुरक्षित भारत का निर्माण भारत के विकास के लिए कितना जरूरी है। आज के युग में भारत का विकास साइबर सुरक्षा के बगैर हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से ही आज भारत हर क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग इतना नीचे तक हम ले गए। मैं बाद में इस पर डिटेल में बात करूंगा, परंतु साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करते हैं तो हमारी यही ताकत हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। और इसीलिए डिजिटल रिवॉल्यूशन के इस जमाने में साइबर सुरक्षा पर थ्रस्ट देने के लिए, साइबर सुरक्षा पर एक मंथन करने के लिए, चुनौतियां और चुनौतियों के समाधान को ढूंढने के लिए, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जन जन तक साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम भारत सरकार के गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने आहूत किया है। श्री शाह ने सभी विभागों से 25 वर्ष की कार्य योजना बनाकर काम करने को कहा ताकि आजादी के शताब्दी वर्ष तक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। एयर मार्शल एसके झा ने कहा कि भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों के पहले बैच की पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से आरंभ होगी। कल नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एयर मार्शल झा ने कहा कि इस वर्ष दिसंबर तक पहले बैच का नामांकन हो जाएगा और 30 दिसंबर से पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि भविष्य के युद्ध अलग प्रकार के होंगे और ये प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। इसके लिए देश को नई क्षमताओं से लैस लोगों की जरूरत है और ये शक्ति हमारे युवाओं की होगी। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि 2030 तक देश की 50% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की होगी। काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टी टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टी टू टेल रेशियो है वो कम करी गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक CDS का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है।
32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके। ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 ईयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाएं। इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल। लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पुनप्पा ने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक भारतीय सेना को 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच मिल जाएगा और दूसरा बैच फरवरी 2023 में शामिल होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके अपने 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल प्रवास के दौरान प्रसिद्ध बेलूर मठ पहुंची, जहां उन्होंने संपूर्ण मठ परिसर का भ्रमण किया और श्री रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा को नमन किया। राज्यपाल ने बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को भी प्रणाम कर उनके विचारों का अनुकरण करने की बात कही। साथ ही स्वामी विवेकानंद परिसर स्थित जिन कक्षों में अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारे थे, राज्यपाल ने उनका भी अवलोकन किया। इस दौरान मठ के प्रमुख संत स्वामी बोध स्वरानंद तथा स्वामी आत्म विकासानंद को सुश्री उइके ने वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह भेंट किए। दुर्ग के नकपुरा में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का कल समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ अपने अनुभव साझा किए, साथ ही केंद्र में भाजपा सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई गयी। मीडिया से चर्चा करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं लाई गयी, जिनका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिला। एक परिवर्तन 14 के बाद देश की राजनीति में कैसे आया? जब 42 लाख लोगों के घरों में उनके बैंक के खाते खुले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 22 लाख करोड़ रुपया का DBT में ट्रांसफर हुआ, 100% राशि उनके खाते में गया, 9 करोड़ से ज़्यादा उनके गैस के सिलेंडर बांटे गए, 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया सालाना उनको देने की योजना बनी, आयुष्मान भारत में उनके लिए 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था हुई, 3 करोड़ 20 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण हुआ, शौचालय का निर्माण पूरे हिंदुस्तान में घर घर में हुआ। इस प्रकार की योजनाएं पूरे देश को जोड़ने की योजना, 80 करोड़ लोगों के लिए 24 महीने तक राशन की व्यवस्था, 3,20,000 करोड़ की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ये चमत्कार हुआ है। 190 करोड़ रुपये वैक्सीन कोविड के दौरान निःशुल्क लगे, बिना पैसे के, दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो देश में हुआ, और ये मोदी जी का ही चमत्कार है। 8 साल में जिन्होंने देश के अंदर एक परिवर्तन लाया। एक अन्य सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में भ्रम की स्थिति है और विपक्षी दल इसके लिए जिम्मेदार है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल देश भर में 12,781 नए संक्रमित मिले, वहीं 18 मरीजों की मौत हो गई। अभी 76,700 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी पॉजिटिविटी दर 2.05% पहुंच चुकी है। कल हुए 2,000 से अधिक नमूनों की जांच में 46 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश के 9 जिलों से नए मरीज मिले, जबकि शेष जिलों में कल कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। इस समय राज्य में 432 सक्रिय मामले हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से कल राज्य में किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। देश में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले देश भर में आज योग के पूर्वाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस बार राज्य के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और पर्यटन महत्व के भोरमदेव मंदिर परिसर में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा भोरमदेव मंदिर का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया गया है। मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह के साथ अन्य अधिकारियों ने लिया। राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए NCC, NSS के कैडेट, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, शिक्षक, योग संस्थाएं, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े नागरिक, जिले के विशिष्ट जन, अधिकारी, कर्मचारी तथा आम नागरिक शामिल हो सकते हैं। मंदिर परिसर में ये कार्यक्रम कल सुबह आयोजित किया जाएगा, जिसका प्रसारण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह होंगी।
गौरतलब है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश भर के 75 पर्यटन स्थानों का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक और धार्मिक महत्व के स्थल कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर का चयन किया गया है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL का वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा कल संपन्न हुआ। कोरबा में आयोजित समापन कार्यक्रम में खान सुरक्षा महानिदेशालय के महानिदेशक प्रभात कुमार और SECL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉ. प्रेम सागर मिश्रा उपस्थित थे। इस मौके पर SECL की 13 एरिया की टीमों द्वारा खदान में कोयला खनन और इस दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा नियमों का आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किया गया। खान सुरक्षा महानिदेशालय के महानिदेशक प्रभात कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सुरक्षा के मापदंड बढ़ाने और श्रमिकों में जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले प्रति 1000 कर्मचारियों में 2 कर्मियों की दुर्घटना में मौत होती थी, लेकिन सुरक्षा को लेकर नए मापदंड अपनाने के कारण ये आंकड़ा अब काफी कम हो चुका है। कोयला खदानों में सुरक्षा के निर्देश और सुरक्षा के जो कारण हैं, उपाय हैं, जो क्या नियम कानून है, सारे माइंस एक्ट उसके अंदर जो रेगुलेशंस बने हैं उसमें दिए हुए हैं। हर खदान का कर्तव्य है, हर खदान ऑपरेटर का कर्तव्य है उसको पालन करना, और हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि वो पालन किया जाए। अब भारत सरकार की तरफ से सुरक्षा के मापदंड बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। ये जो सेफ्टी वीक मनाया गया और ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसी का एक टूल है, एक अंग है। इससे क्या होता है कि लोगों के बीच, कामगारों के बीच सुरक्षा की भावना में बढ़ोतरी होती है, नई जागरूकता आती है, नए जोश के साथ सुरक्षा के कार्यक्रम लागू होते हैं। ये बहुत बड़ा एक सुरक्षा में वृद्धि का एक अवयव है। SECL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉ. मिश्रा ने बताया कि कोयला उत्पादन के साथ सुरक्षा सर्वाधिक प्राथमिकता का विषय है। एरिया और जो अंबुजा हिंडालको का जो है ओलोबीस में आते हैं तो सब लोग आए हैं, और सेफ्टी को लेकर के तो परम धर्म है, इसके लिए कोई नया चीज है ही नहीं, हमेशा से चुनौती रहा है और हमेशा से हम लोग इसको स्वीकार किए हैं और इसको परम धर्म के रूप में लेकर के आज कर रहे हैं। SECL द्वारा कोयला कामगारों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ वार्षिक सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन किया गया। राजनांदगांव में 44वीं राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस स्पर्धा के विजयी प्रतिभागियों को आने वाले दिनों में चेन्नई के महाबलीपुरम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चेस ओलंपियाड में शामिल होने का मौका मिलेगा। राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के करीब 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में राजनांदगांव के पूर्व महापौर नरेश डाकलिया ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी आगे भी उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करेंगे। कहता हूँ यहाँ से 6 बच्चों का जो चयन हुआ है उनको बहुत बधाई देता हूँ कि भविष्य में खूब मेहनत, प्रैक्टिस कर, लगन के साथ में खूब खेल के देश का नाम आगे रोशन करें। वहीं शतरंज संघ के जिला अध्यक्ष ललित भंसाली ने बताया कि भारत को इस बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है और महाबलीपुरम में होने वाली इस स्पर्धा में 189 देश के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अभी 44वां ओलंपियाड जो कि यूक्रेन में युद्ध चल रहे हैं उसकी वजह से हमारे भारत को मिला है, जो बहुत गौरव की बात है। इसमें लगभग 189 कंट्रीज पहली बार ये आई है और ये आयोजन हो रहे हैं महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक के। इस आयोजन के माध्यम से यहाँ से हम लोग 3 दिवसीय जो टूर्नामेंट करा रहे हैं, यहाँ से बच्चे सेलेक्ट होके 6 बच्चे, जिसमें 2 जो बच्चे हैं, 1 गर्ल्स और 1 बॉयस, ये गवर्नमेंट स्कूल के रहेंगे, ये कंपलसरी है, और 4 बच्चे यहाँ से निकल के सेलेक्शन करके हम लोग इनको महाबलीपुरम भेजेंगे। राजनांदगांव में हुई शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन जिला प्रशासन और उदयाचल द्वारा किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।